अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम सॉफ्ट और सिंपल आई मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। ये आई लुक आप ऑफिस जाने के लिए, किसी के घर जाने के लिए या आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं तो भी आप 5 मिनट में ये आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। बेस मैंने बना ली है, आईब्रोज के ऊपर भी मैंने ब्राउन कलर के साथ इसको शेप दे दी है। आईब्रोज में नहीं बनाती इसलिए आपको अनटाइडी लग रहे होंगे। सिल्वर आई शेडो के साथ मैंने आईबोन को हाईलाइट कर दिया है। अब ब्राउन कलर के साथ क्रीज लाइन पे थोड़ा सा डार्क रखूंगी और पूरी आई के ऊपर क्रीज लाइन के निस्पत थोड़ा सा लाइट कलर आपने रखना है। इसके अच्छे तरीके से हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे। ये 5 मिनट में ये आई मेकअप जो है 5 मिनट में हो जाता है। बहुत ही सिंपल और जल्दी से ये आई लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। अब पीच और पिंक कलर को आपने अपनी आईलिड के ऊपर अच्छे तरीके से फिंगर की मदद से या ब्रश से आप अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग कर लें। फिंगर से लेकिन ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब हम लाइनर लगाएंगे। लाइनर लगाने के लिए हमें समझ नहीं आती कि लाइन जो है ये कहाँ से ड्रॉ करें। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी टिप है। ये जो हमारा लेंस है इसके कॉर्नर के ऊपर हम लोग लैश के साथ एक पॉइंट हम लोग लगाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं। और बिल्कुल स्ट्रेट आपने एक और पॉइंट आपने लगाना है यहाँ पे और एक पॉइंट आपने कॉर्नर में लगा लेना है। अब इन पॉइंट्स को हम लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। आई के अंदर की तरफ आपने मोटी लाइन नहीं ड्रॉ करनी, बिल्कुल बारीक आपने लैश के साथ ही लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके कॉर्नर से आईब्रो की तरफ हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है उसके सेंटर से आपने अंदर की तरफ इसको ज्वाइन कर देना है, जो लाइन पहले से हम लोगों ने ड्रॉ की थी। 2 से 3 दफ़ा आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छी लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकेंगे। आई की आप शेप दे दें। अंडर आई भी आपने जो ब्राउन आई शेडो लगाया था और पिंक आई शेडो लगाया था उन दोनों को मिक्स करके, जो भी आई शेडो जब भी आप अपनी आई के ऊपर लगाते हैं उनको मिक्स करके अंडर आई भी आप लगा लिया करें। इससे आई लुक बहुत अच्छी लगती है। जो हाइलाइटर था उसको आपने अपनी आई के अंदर की तरफ कोने के ऊपर आप लगा दें। वाइट पेंसिल लगा लें, अगर आप चाहें तो ब्लैक पेंसिल भी यूज़ कर सकती हैं। लैशेस के ऊपर वाइट पेंसिल लग जाए नो इशू, आपने मस्कारा के साथ इसको सेट कर सकते हैं। अब मस्कारा लगा दिया है और इसके बाद हम लोग लैशेस लगाएंगे।
लैशेस भी लगा ली हैं। अब आईलिड के ऊपर आपने प्राइमर के साथ हल्का हल्का प्राइमर आप लोगों ने लगा लेना है। मेरे पास ये सिल्वर ग्लिटर है, डस्ट है, इसको आप अपनी आईलिड के ऊपर लगा दें। पूरी आई के ऊपर स्प्रेड नहीं करना, आईलिड के ऊपर ही आपने इसको लगाना है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा भी रख सकते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि वो बाद में अब आई के ऊपर अच्छे तरीके से मर्ज हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये हमारी आई मेकअप जो है, ये आई लुक क्रिएट हो चुकी है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।